बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, लाज रखना मेरी है खुदा। जनाब, तो इस बज़्म का बाकायदा आगाज़ हुआ कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब की आवाज़ में तिलावत कलाम पाक से और फिर हमदिया कलाम से। जनाब सिद्दीक़ इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फसी भाई भी तशरीफ़ फरमा है, इंशाल्लाह मशहूर व मारूफ मारकतुल आला कराम जो आप सब लोगों को ज़बान ज़द आम है, याद हैं, वो सुनेंगे इंशाल्लाह। सिद्दीक़ भाई, मैं आपके और हमारे ऑडियंस के दरमियान मज़ीद हायल होना नहीं चाहता, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम बदामी साहब, आप तो सबके हौसले बुलंद हैं कि पाकिस्तान के शाहीनों ने अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। भाई ज़रा सुभान अल्लाह कहो यार, माशाल्लाह। आइए अल्लाह के हम्द से अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मईनल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से, बुलंद आवाज़ से पढ़िए ला मुझको दिए जाता है।
इसी मोहब्बत और अकीदत के साथ आइए बारगाहे रिसालत में दुरूद सलाम पढ़िए
जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। बेशक बेशक, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जनाब सिद्दीक इस्माइल साहब ने बाकायदा समा बांध दिया है और उनकी ही आखिरी बात को जारी रखते हुए कि हम ये आदतन तो कह देते हैं कि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक सोच है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि दामने वक्त में कुछ गुंजाइश पैदा हो जाए, बल्कि फ़र्ज़ कर लीजिए दामने वक्त में बहुत गुंजाइश पैदा हो जाए, एक दिन की गुंजाइश पैदा हो जाए, एक साल तक नशरियात चलती रहे, एक सदी तक बात होती रहे, 100 सदियों तक बात होती रहे, फिर भी ये वक्त फ़ज़ाइल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहाता नहीं कर सकता। तो दामने वक्त में बहुत भी गुंजाइश हो जाए तो भी आका की बात ख़त्म क्या शुरू भी नहीं हो सकती सही अंदाज से। हम तो बस अपना सा एक तस्करा करके अपनी सी एक कोशिश करते हैं कि बस यही हमारा बख्शिश का वसीला बन जाए, इसलिए कि जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, इंसान सही साहिब किरदार नहीं है। जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, इंसान सही साहिब किरदार नहीं है। और हमको तो बचा लेंगे कयामत में मोहम्मद, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। तो या रसूल अल्लाह, मदद कहने वालों का ये मजमा है, आशिकान मुस्तफ़ा का मजमा है, बज़्म जारी है। जनाब फसीउद्दीन सुरवर्दी साहब को सुनेंगे एक वक्फे के बाद इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दम।